बेशक कोरोना का प्रभाव दुनिया भर में कम हुआ है और अधिकतर देशों में अब संक्रमितों की संख्या नाममात्र रह गई है, लेकिन चीन के मंगोलिया में मिले इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 ने फिर से दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। BF7 सब वेरिएंट के मरीज अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और भारत में मिल चुके हैं। बहुत तेजी से फैलने वाले संक्रमण को लेकर लोग भी परेशान हैं। आज हम आपको बताएंगे इससे जुड़े लक्षण, जिसमें आप समय रहते इसकी पहचान कर पाएं। बहुत तेजी से फैलता है ये वेरिएंट। डॉक्टरों का कहना है कि ये वेरिएंट अब तक में सबसे तेजी से फैलने वाला है। ये वेरिएंट कमजोर इम्यून सिस्टम वाले इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसके लक्षण बहुत गंभीर नहीं होते और आमतौर पर ये हल्के लक्षण ही पैदा करता है, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें पहले से हार्ट, किडनी और लीवर की बीमारी है, उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे मरीजों में इसके लक्षण दिखते हैं। ये है ओमिक्रॉन BF7 के लक्षण। इस वेरिएंट से पीड़ित होने पर जो लक्षण प्रमुख हैं, आपको उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो हम नीचे बता रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लगातार खांसी, सुनने में कठिनाई, छाती में दर्द, शरीर का बार बार हिलना या कांपना, सूंघने की क्षमता कम होना। क्यों सावधानी है जरूरी? दरअसल जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो शुरुआत में वो तेजी से फैलता है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन की वजह से बस, मेट्रो और मार्केट हर जगह लोगों की काफी भीड़ जुट रही है। ऐसे में वायरस का ये रूप आसानी से और तेजी से फैल सकता है। यही वजह है कि आपको ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब सावधानियां हमें बरतनी होंगी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।